मुझे आज देखकर आप लोगों को आई एम श्योर एक फ्रूट की याद आ रही होगी। आई एम लिटरली ड्रेस्ड लाइक अ स्ट्रॉबेरी, वार्म वार्म क्लोथ्स पहनकर मैं आ गई हूँ महाबलेश्वर आप लोगों के लिए रेकमेंडेशंस लाने के लिए। आज का रिजॉर्ट होने वाला है बहुत ही खास मेरे लिए एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी। यहाँ पर आपका स्टे तो फैंटास्टिक होने ही वाला है, बट स्टे के साथ ही आप लोगों को मिलने वाले हैं ढेर सारे एक्टिविटीज, बॉनफायर, मूवी अंडर द स्काई, उसी के साथ साथ ब्रेकफास्ट इन द वुड्स, ओपन जीप सफारी, सनसेट वॉचिंग एंड व्हाट नॉट। आई एम श्योर आप लोगों को ये सब कुछ देखकर ना इस वीडियो को देखने के बाद ही ये रिजॉर्ट बुक करने का मन करेगा। इसीलिए विदाउट फर्दर अडू चलो क्विकली दे देती हूँ आपको इस एंटायर रिजॉर्ट की टूर। वेलकम टू लाइफ एंड लीजर एंड वेलकम टू द गुरुस्पर्श रिजॉर्ट इन महाबलेश्वर महाराष्ट्र। एंटर करते ही यू विल बी वेलकम्ड बाय दिस लश ग्रीनरी अराउंड। जहां तक आपकी नजर जाएगी बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी और उसमें छुपे हुए कुछ कुछ कॉटेजेस। बाय द वे अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको पैशन फ्रूट्स भी दिखाई देंगे। मैंने रिसेंटली ही पैशन फ्रूट को डिस्कवर किया था एंड यहाँ पर देखकर ऑनेस्टली मैं बहुत ही हैप्पी हो गई। एंटर करते ही टूवर्ड्स माई लेफ्ट रेस्टोरेंट है एंड टूवर्ड्स माई राइट स्टार्ट होते हैं सारे कॉटेजेस। जैसे मैंने आपको बताया कंप्लीट ग्रीनरी के बीचों बीच आप लोगों को मिल जाएंगे आपके इंडिविजुअल कॉटेजेस, जिसकी टूर मैं आपको अभी देने वाली हूँ इन अ सेकेंड। ये है यहाँ की गार्डन व्यू रूम। एज द नेम सजेस्ट आप लोगों को व्यू मिल जाएगा इस वंडरफुल से गार्डन का। अंदर एंटर करते ही बहुत ही वाइब्रेंट सी वाइब आ जाएगी। बहुत सारे कलर्स, सारे बेसिक अमेनिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टी कॉफी स्टेशन है, केटल है, एसी है, अटैच्ड वॉशरूम है, एक ब्यूटीफुल सी वाइब, ऑफ कोर्स एक ब्यूटीफुल सा व्यू। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये रूम आप लोगों को मिल जाएगी एट जस्ट 3500 रुपीज पर कपल विद ब्रेकफास्ट। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की वैली व्यू रूम। ऑफ कोर्स देयर इज वन मोर कैटेगरी बट आई एम सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। अभी फिलहाल आप लोगों को दिखा देती हूँ ये रूम जहाँ से आपको व्यू मिलेगा एकदम ही जबरदस्त सा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो सराउंडिंग्स के सारे हिल्स एंड वैलीज। जैसे ही आप रूम के पास जाओगे आपको एडिशनल सिटिंग स्पेस दिखाई देगा, उसी के साथ साथ मेरा फेवरेट पार्ट द झूला। अंदर चलिए रूम भी आपको क्विकली दिखा देती हूँ। बहुत बड़े बड़े विंडोज़ हैं जहाँ से कम्प्लीटली एयर फ्लो होती रहती है, जिससे बहुत अमेजिंग लगता है। एंटर करते ही आप देख सकते हो अगेन काफ़ी कलरफुल सी रूम है, तो जैसे ही रूम में एंटर करोगे ना एकदम सी वाइब बदल जाएगी एंड मूड भी आपका चेयर अप हो जाएगा। सारे बेसिक अम्यूनिटीज़, टॉयलेटरीज, केटल, वाटर बॉटल्स, एसी, वाईफाई, टीवी, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। प्राइजेस की अगर मैं क्विकली बात करूँ तो ये रूम आप लोगों को मिल जाएगा एट जस्ट 4000 रुपीज पर कपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। इन बड़े बड़े विंडोज से यहाँ का ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय करो। एक्स्ट्रा सिटिंग स्पेस है आपके लव्ड वंस के साथ, एडिशनल टाइम स्पेंड करो, चिल करो, इस व्यू को देखते देखते प्यार भरी मीठी मीठी बातें भी कर लेना। द पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस हियर इज एंडलेस। ऑलरेडी मैं आप लोगों को दो रूम्स दिखा चुकी हूँ, तीसरी और मेरी फेवरेट रूम अभी भी बाकी है। बट उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि ये रिजॉर्ट कम्प्लीटली थीम बेस्ड रिजॉर्ट है। हर रूम को बहुत ही थॉटफुली डिज़ाइन किया गया है, हर रूम के जो नाम्स है वो भी बहुत ही सोच समझ कर दिए गए हैं। उसके पीछे की बैक स्टोरी मुझे आज यहाँ के ओनर से पता चली, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट यूनिक फॉर मी टू नो। आप लोगों का भी स्टे यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक सा होने वाला है। ऑल्सो प्राइसेस भी यहाँ के बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही डिसेंट है। आप ऑल ईयर अराउंड यहाँ पर आ सकते हो, आपको प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देंगे। आज शाम को ये वीडियो खत्म करने के बाद हम जाने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त सा सनसेट देखने के लिए एक हिडन स्पॉट पर। बाय द वे सनसेट देखना, ओपन जीप सफारी, ये सारे एक्टिविटीज चार्जेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एक्टिविटीज फ्री हैं एंड जो चार्जेबल है उनकी लिस्ट दे दूंगी, तो वो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। मेरे लिए तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड सनसेट देखने जाना। एंड आज हम लोगों ने ना एक कैंडल लाइट सेटअप एंड मूवी अंडर द स्टार्स का भी प्लान बनाया है फॉर माई स्पेशल समवन, बिकॉज
मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए रिकमेंडेशन लाती रहती हूँ, बट मैंने रियलाइज किया है कि मैं कभी कभी खुद के लिए कुछ भी नहीं करती, इसीलिए इस स्पेशल ओकेजन पर मैंने ये खास सेटअप लगवाया है। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए होने वाला है, इट्स अ क्वाइट पर्सनल सेटअप, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो एज वेल। पीकॉक, ये है मेरी फेवरेट रूम। यहाँ पे वैसे तो टोटल आपको 3 क्लिफ वैली व्यू रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप लकी हो तो आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर स्टे करने का मौका मिल जाएगा। वेट बिल्कुल भी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करके तुरंत बुक कर लेना। हर एक रूम बहुत ही थॉटफुली डिजाइंड है। एज आई मेंशन, पीकॉक ये जो रूम है इसका इंटायर इंटीरियर कम्प्लीटली पीकॉक थीम बेस्ड है। अगर आप लोगों को अलग अलग बर्ड्स पसंद है तो ये रूम आप लोगों को पसंद आने ही वाली है। प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये रूम आप लोगों को मिल जाएगा एट जस्ट 5000 रुपीज पर कपल विद ब्रेकफास्ट। सारे अमेनिटीज तो है ही, ऊपर से ये क्लिफ का जबरदस्त व्यू, एक अटैच्ड बालकनी भी है, आप आपके ही प्राइवेट बालकनी से इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो ये है यहाँ का व्यूइंग डेक, आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा एक फैंटास्टिक सा वैली का व्यू। यहाँ पर आप बैठ सकते हो, चाय की चुस्किया ले सकते हो। बाय द वे ये एक एक्सटेंडर है, दैट मींस आपको यहाँ तक वाईफाई आ जाएगा। चलिए क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। वाओ, वी आर सो लकी कि आज हम लोगों को यहाँ पर रहने मिल रहा है। आई एम इन लव विद दिस व्यू। वैसे तो इस एंटायर रिजॉर्ट में बहुत सारे स्पॉट्स हैं चिल करने के लिए, बट मेरा परफेक्ट एंड फेवरेट स्पॉट है ये स्विमिंग पूल के साइड में लाउंजर्स पर बैठकर लाउंज करना, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद है कि नहीं नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। टेक अ डिप इन द पूल, रिफ्रेश एंड रिलैक्स योरसेल्फ और प्ले अ लॉट ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स हियर। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ गेम्स मिल जाएगी। मेरा फेवरेट था यहाँ का आर्चरी एंड बैडमिंटन। Truly, I had a lot of fun. अगर आप मेरी तरह एक एडवेंचर लवर भी हो तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो एक सीक्रेट लोकेशन भी। वैसे तो ये जगह बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं है, बट नॉर्मली आप लोग इस जगह को देखते हो रोड से। ये है भिलार वाटरफॉल। यस, बट यहाँ पर आप इस भिलार वाटरफॉल को एक्सेस कर सकते हो प्राइवेटली। जी हाँ, एक छोटा सा 5 मिनट्स का ट्रैक करके आप वाटरफॉल के बहुत ही पास जा सकते हो, क्लिक कर सकते हो बहुत सारे पिक्चर्स, घर लेकर जा सकते हो बहुत सारे मेमोरीज। ऑल्सो अगर आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो नेचुरल फिश स्पा, वो करते ही दौड़ कर भाग कर चले जाना फार्म विजिट के लिए। यहाँ पर आप स्ट्रॉबेरी प्लकिंग, मलबेरी, रास्पबेरी, गूसबेरी सब कुछ देख सकते हो। हमारे लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आप लोगों को ये एक्सपीरियंस कैसा लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। स्ट्रॉबेरी के ये इतने बड़े बड़े फार्म्स देखकर मैं तो चौंक गई, एंड सबसे सरप्राइजिंग था मेरे लिए ये ड्राइड स्ट्रॉबेरीज। क्या आपने इसे पहले कभी देखा है मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना। चार्जेबल एक्टिविटीज में मैंने ऑप्ट की थी कि ओपन जीप सफारी, एंड नॉट जस्ट दैट, इस ओपन जीप में बैठकर ही मैं गई थी एक हिडन स्पॉट पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल से सनसेट को विटनेस करने के लिए। सनसेट देखते देखते मेरे स्पेशल समवन के साथ चाय की चुस्कियां ली, न्यू ईयर न्यू मी वाले रेजोल्यूशंस भी बनाए। पता नहीं वो कितने कंप्लीट होने वाले हैं, बट लिस्ट तो बना ली है मैंने सनसेट एंजॉय करते करते। सनसेट देखते देखते कभी टाइम चला गया और रात हो गई और रिजॉर्ट में वापस आने का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। आने का मन तो था नहीं, बट रिजॉर्ट में एंटर करते ही ना अगेन बहुत पॉजिटिव और अच्छी वाली फीलिंग आ गई। वार्म लाइट्स लगने के बाद रिजॉर्ट बहुत ही मैजिकल सा लग रहा था। स्विमिंग पूल के साइड में बैठकर अगेन बहुत सारा चिल किया, बहुत सारा टाइम पास किया, बट वो टाइम पास करने में भी ना अलग ही मज़ा था। व्हेन यू नो कि आप हफ्ते भर ढेर सारा काम करते हो, एंड जब भी आप खुद को वो छोटा सा ब्रेक देते हो ना दैट यू डिजर्व, तो वो टाइम पास करना भी वेस्ट नहीं लगता।
उसी के साथ ही यहाँ पर आप इवनिंग में चाहो तो भी गेम्स खेल सकते हो, बॉनफायर लगा सकते हो, बीबीक्यू ऑप्ट कर सकते हो। अगेन बॉनफायर एंड बीबीक्यू आर चार्जेबल। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कैंडल लाइट सेटअप भी किया था। मैंने पर्पसली लाइट्स अभी ऑन रखे हैं सो दैट आप इसे अच्छे से देख सको। मूवी भी लगाई थी, आप लोग भी देख लीजिए जस्ट इन केस अगर आप लोगों को कुछ रेफरेंसेस चाहिए होंगे तो। एंटायर सेटअप एंड यहाँ का ओवरऑल ट्रीटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन बीबीक्यू वाज रोली रोली टेस्टी। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने पर्पसली ही वेज एंड नॉन वेज दोनों रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। उसी के साथ साथ ये एंजॉय करते करते मूवी जो देखा ना, आहा, दिल भर गया लिटरली, ट्रस्ट मी। ऑल्सो यहाँ पर इतनी ठंडी थी कि बॉनफायर बहुत ही काम आया। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया, काफी वाइब्रेंट, काफी कलरफुल, काफी चीयरफुल सा है। बाय द वे अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो ये बता दूं कि भिलार इस विलेज को पुस्तकांश गांव कहते हैं, यानी कि किताबों का गांव। यहाँ पर भी आप लोगों को ढेर सारे किताब मिलेंगे जो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर बैठ कर कुछ चार नई चीजें सीख सकते हो। रेस्टोरेंट के बारे में स्पेसिफिकली बताऊं तो ये एक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है जहां पर आपको बहुत ही डिलिशियस सा खाना मिल जाएगा। मेरे लिए ये स्टे एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही लाजवाब था। ये सारे एक्टिविटीज करके, इन ब्यूटीफुल से कॉटेजेस में स्टे करके, इस व्यू को एंजॉय करके मैं तो साथ लेकर जा रही हूँ ढेर सारे मेमोरीज। आप यहाँ पर मेमोरीज बनाने कब आने वाले हो वो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। ये रिकमेंडेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक भी कर देना, शेयर करना इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सो आप भी मेरी तरह एक ब्यूटीफुल महाबलेश्वर की ट्रिप प्लान कर सको, गुरुस्पर्श रिजॉर्ट में दो तीन दिन रहकर खुद को एकदम रिलैक्स एंड रिवाइंड कर सको। ऑल्सो सब्सक्राइब करना लाइफ एंड लीजर को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रिकमेंडेशंस लाती रहूंगी। अंटिल देन बाय।